बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की एक नई वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज की हमारी वीडियो वो प्रोविजनल मैनेजमेंट सर्विसेज स्क्रीनिंग टेस्ट के हवाले से है, जो कि 2018 में हो चुके हैं। ठीक है, तो आज हम उनके पेपर को हल करेंगे और ये पूरा पेपर हम हल करेंगे, और आपको हमारी वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपको समझ आए और आपको टेस्ट देते हुए आसानी पेश आए और आपको समझ आ जाए कि टेस्ट किस किस्म का होगा। तो ऐसी और भी हमने प्रोविजनल मैनेजमेंट सर्विसेज PMS के जो रिलेटेड वीडियो हैं वो अभी देनी है, वो हमारे पास अभी तक मौजूद हैं, वो हमने अभी देनी है। तो वो उन सारी वीडियो को और इस वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप देख सकते हैं कि ऊपर लिखा हुआ है प्रोविजनल मैनेजमेंट सर्विसेज स्क्रीनिंग टेस्ट, ये देख सकते हैं आप, प्रोविजनल मैनेजमेंट सर्विसेज स्क्रीनिंग टेस्ट सेट टू, टेस्ट डेट 4/14/2018 को ये टेस्ट हुआ था। ठीक है, उसके बाद जी वीडियो की तरफ चलते हैं, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, सबसे पहले जी पूछ रहे हैं जी, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद एनोनम फ्रॉम द 4 ऑप्शन सो डैट सेंटेंस कीप इट्स बेस्ट मीनिंग। कह रहा है कि जो अंडरलाइन, ये देखें ये जो अंडरलाइन मीनिंग है ये वगैरह ये, और इनको जो हमने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनके साथ चेंज करके एक अच्छा सा वर्ड का मीनिंग बनाएं। तो चलते हैं जी, माइक्रो प्रोसेसर अनलाइक कंप्यूटर आर प्रोग्राम टू कंप्लीट डिज़ाइन टास्क। तो देखते हैं कौन कौन से है, स्पेसिफिक, आर्डुकस, सेवरल, सिमिलर। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। ठीक है जी, ये हम इसको ये कर देते हैं जी, ये स्पेसिफिक। ठीक है, उसके बाद जी सेकेंड नंबर पर वो पूछ रहे हैं जी, द गैलेक्सी स्लोली सर्कल्स, सर्कल को अंडरलाइन किया हुआ है, अराउंड अ स्फेरिकल सेंटर। तो देखते हैं, एक्सपेंड्स, रोटेट, एक्सेलरेट, वाइब्रेट्स। तो ये देखते हैं जी, एक्सपेंड तो नहीं होगा, रोटेट, सर्कल का क्या होगा? देखिए सर्कल का जो करीब तरीन है वो है रोटेट, फिरना, सर्कल से बेहतर है रोटेट, बी। ठीक हो गया, उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 3, लाइक इंसेक्ट मैनी इंसेक्ट ग्रो बाय द थ्रोइंग अवे देयर किन सेवरल टाइम्स। ठीक है जी, तो थ्रोइंग अवे मतलब कि फेंकना, तो ये देखे इसका क्या होगा, डाइजेस्टिंग, स्ट्रेचिंग, डिस्कार्डिंग, मेंडिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा हम बड़ा करके छोड़ें जी, हो गया ए, थोड़ा सा हम इसको करेंगे। चलें जी अगले पर चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं जी, वोल्केनोस आर फॉर्म्ड वेयर द प्लेस इन द अर्थ क्रस्ट मीट, मीट मतलब के जुड़ता है या मिलता है। ठीक है जी, तो देखते हैं जी, क्रैक्ट, इंटरसेक्ट, कोलैप्स, फ्लॉट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इंटरसेक्ट, बी। ठीक है जी, उसके बाद जी 5वें पर पूछ रहा है, इन द फेटस कार्टिलेज फॉर्म अ टेम्प्रेरी स्केलेटन दैट विल ग्रेजुअली बी चेंज्ड को अंडरलाइन किया है इनटू बोन। ठीक है जी, ए ट्रांसफॉर्म्ड, बी स्ट्रेगुनेट, हार्ड, इसको थोड़ा सा हम पढ़ने में कुछ समझ नहीं आ रही, हार्ड फ्यूज्ड, चेंज की जगह आएगा फ्यूज, डी। ठीक है, तो 6वें नंबर पर चलते हैं, 6वें नंबर पर पूछ रहे हैं जी,
अ मस्कुलर पावर प्लांट दैट गिव्स ऑफ को उसने अंडरलाइन किया हुआ है, लेस रेडिएशन देन ग्रेनाइट स्ट्रक्चर ऑफ सिमिलर प्रोपोर्शन। ठीक है, ए रिपील्स कंसेंट्रेट्स, ये थोड़ा सा क्योंकि कैमरे से ली गई है तो थोड़ा सा कैमरा हिल शिल गया, तो चलें देखते हैं। कंसेंट्रेट रिफाइनिज इमिट, तो जिधर तक मेरा ख्याल है वो इमिट। ठीक है, उसके बाद जी सातवें नंबर पर इमोवेशंस, ये इसको पहले को ही अंडरलाइन कर दिया। इन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आर यूजुअली लेस एक्सपेंसिव द सेकेंड और थर्ड ईयर आफ्टर दे आर इंट्रोड्यूस। तो इसका जो देखते हैं क्या है, पार्ट्स चेंज प्रॉब्लम डिटेल, चेंज तो नहीं है, प्रॉब्लम भी नहीं है, डिटेल भी नहीं है, तो फिर जाहिर सी बात है ए पार्ट्स। ठीक है जी, ठीक हो गया। आठवें नंबर पर द गवर्नमेंट इनिशिएट वेरियस मेयर्स टू राइज द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, के वो उनके स्टैंडर्ड को ऊपर कैसे कर रही है जी, देखते हैं जी इसका क्या है जी। तो प्लान्ड सजेस्टेड इंट्रोड्यूस इन्फोर्स्ड इंट्रोड्यूस, मतलब कि वो इंट्रोड्यूस करवा रही है लोगों के रहने के तरीकों को जो मतलब स्टैंडर्ड होना चाहिए। सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, द वर्कर वाज आस्क्ड टू अकाउंट फॉर हिज एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी। ठीक है जी, ए डिस्क्राइब, बी रिवेल, सी एक्सप्लेन और डी डिस्कस रिवेल। ठीक है जी, बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं जी, इट वाज डिसाइड टू पुट ऑफ सेलिब्रेशन ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांस। तो पुट ऑफ का देखते हैं कौन सा मीनिंग जुड़ता है इसके साथ, ए कैंसिल, बी एडवांस, सी पासपोन। पुट ऑफ पासपोन, तो एक्सपिटाइड नहीं, ये नहीं एक्सपिटाइड, नहीं एक्सपिटाइड, एक्सपिडाइट, एक्सपिडाइट, तो ये सी। ठीक है, तो ये था हमारा पहला पोर्शन। दूसरे पोर्शन पर अभी हम जाएंगे, तो दूसरे पोर्शन पर जाते हैं जी अभी। तो इससे अगले पार्ट पर आ गए, तो चूज द सेट ऑफ वर्ड्स विच व्हेन इंसर्टेड फर्स्ट टाइम द बेस्ट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे 11वें नंबर वाले को, क्वेश्चन को देखते हैं जी। ह्यूमन सर्वाइवल इज अ रिजल्ट ऑफ म्यूचुअल असिस्टेंस सिंस पीपल आर एसेंशियली रेदर देन सुपीरियर इन्फेरियर कोऑपरेटिव कॉम्पिटेटिव फिजिकल मेंटल डिस्पेंडेंट इंस्टेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कोऑपरेटिव कॉम्पिटेंट बी। ठीक है, तो 12वें नंबर पर चलते हैं। देयर आर डैश डिबेट्स बाइल्ड as a dash of their opinion was only needless repetitions, a senseless national travesty, primary remunication, final clarification। तो इसका जो correct answer है वो है primary remunication। ठीक है, उसके बाद जी वो पूछ रहा है डैश मोब बिगेन टू फॉर्म फुल ऑफ एनर्जी मैन इनहेरिटेंट थ्रेट।
इसके ऑप्शन अभी आएंगे जी। तो इसके ऑप्शन ये सामने आ चुके हैं, ए एन एक्साइटेड, अ लिस्टलेस एन अगली, और ये जो डी है वो, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है। ठीक है जी, तो ये सवालों के जवाब हमारे पास पड़े हुए हैं। तो अ ले आउट, अ ले लैक, पता नहीं अब क्या लिखा हुआ है, लेकिन जो भी है इसका आंसर कंफर्म डी है। ठीक है, उसके बाद जी, ही शुड बी डैश टू कंप्लेन सिंस हिज सैलरी डैश विद हिज प्रोडक्टिविटी। ए राइट, इसमें देखे पहले में पूछ रहे जी राइट और दूसरे में प्रोपोर्शनेट, नहीं जी ब्रॉट बैलेंस, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। ठीक है, उसके बाद जी 15 नंबर पूछ रहे जी, बिकॉज ऑफ डैश कॉज्ड बाय द फ्लड लिविंग कंडीशन इन द एरिया हैव मैनी पीपल हैव लॉस्ट ऑल देयर बिलोंगिंग्स। ठीक है जी, तो देखते हैं इसका कौन सा करेक्ट आंसर है। ट्रिपिडेशंस ऑगुमेंट्स, नहीं जी डिवेस्टेशंस, डिटर्मिनेटेड मोरास कैरिनेड, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। ठीक है जी, तो इससे आगे चलते हैं जी। तो 16 नंबर पर वो पूछ रहे हैं जी, इसमें कंप्लीट सेंटेंस करने हैं जी, कह रहे हैं जी कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। नाइट इज किंग, हर हस्बैंड इज नॉट सच अ मैन, लाइक अ मैन, सो अ मैन एज वेल अ मैन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सच अ मैन। ठीक है, उसके बाद जी 17 नंबर पर वो पूछ रहे हैं जी कि आई हैव नो डैश टू लिसन टू हिज सिली टॉक। ठीक है जी, ट्रबल कन्वेंस पेशेंस प्रिजर्वेशन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पेशेंस। ठीक है, उसके बाद जी 18 नंबर पर वो पूछ रहे हैं जी के द यंग मैन वॉज क्विकली प्रोमोटेड व्हेन हिज बॉस सॉ हाउ डैश ही वॉज। जरा सा थोड़ा सा उसको समझें, आपको जवाब आसानी से मिल जाएगा। देखते हैं जी, पहले पर देखें जी, एसिडोस, कर्सरी, लेथर्जिक, इंडेजेंट। ठीक है जी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। तो देखते हैं जी, द यंग मैन वॉज क्विकली प्रोमोट व्हेन हिज बॉस सॉ हाउ डैश हाउ एसिडस ही वॉज। ठीक है, उसके बाद जी 19 नंबर पर, द कोर्टियर एंड टू स्वियर हैड टू स्वियर डैश टू द न्यू किंग, तो इसका जो करेक्ट आंसर देखते हैं जी, अलायंस, ओबीडेंस और ओबीडेंस, लॉयलिटी, फेथफुलनेस। फेथफुलनेस इज करेक्ट आंसर। ओके, 20 नंबर पर चलते हैं जी, ही नेवर डैश टू हर इन द नियर पास्ट, ही नेवर डैश टू हर इन द नियर पास्ट, ही नेवर रॉट राइट टू राइट रिटन, तो इधर रोट आएगा। ठीक है जी, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद जी ये पूछ रहे जी, चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चंस व्हेन, देखते हैं जी 21 नंबर पर क्या कह रहे जी, व्हेन द सा टेंजराइन हर मदर पिक्ड ही सेड दैट हिज एब्सोल्युटली द मोस्ट प्रीटेस्ट ऑरेंज मैना मामा पिक्ड
ये बार बार आ जाते हैं। तो पिक्ड व्हाट इज रॉन्ग विद हिज विद दिस सेंटेंस, व्हाट विद रॉन्ग इन दिस सेंटेंस, मोस्ट प्रीशियस्ट शुड बी प्रीशियस्ट, ये कि ये इसके जगह ये आना चाहिए। ठीक है, आपको मैं बताता हूँ ऊपर कि इधर कह रहा है जी मोस्ट ये, ठीक है ये इन्होंने लिखा है, इसकी जगह ये आना चाहिए। ठीक है, ओके। 22 नंबर पर पूछ रहे हैं जी, द डैश क्लैमिटी एवर टू बी फॉल सम वन इज द ड्राई क्लीनिंग बिजनेस इफ फॉर हिम और हर टू बी डर्टी, ए वर्स रॉस्ट वर्स रॉस्ट रॉस्टस बेडेस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रॉस्ट, दूसरे नंबर पर ये रॉस्ट आ गया। ठीक है, तो देखते हैं इसके बाद जी 23 नंबर पर, 23 नंबर पर पूछ रहे हैं, व्हेन अ मैन रश्ड इनटू द डॉक्टर ऑफिस एंड कंप्लेन डेट ही वाज श्रिंक, द डॉक्टर रिप्लाइड यू विल हैव टू बी अ लिटिल पेशेंट, आई एम ट्रीटिंग अ पर्सन हु इज डैश देन यू आर राइट नाउ, बेटर देन एलर देन एल एल देन रस्टन। वो इसको थोड़ा सा समझें तो बेटर देन इससे भी मतलब के बुरा। ठीक है, उसके बाद जी, इफ अ राइटर प्लेस अ मॉडिफाइंग फ्रेज इन द सेंटेंस बट फेल टू गिव दैट मॉडिफाइंग फ्रेज एनी थिंग टू डिस्क्राइब, देन दैट राइटर इज सेड टू बी अ गिल्टी ऑफ अ, ये आ गया फिर ऑफ अ, किधर जी, ऑफ अ डेगलिंग मॉडिफायर इन द फॉलोइंग सेंटेंस दैट, नहीं व्हाट वुड बी डेंगलिंग मॉडिफायर वाइल टेलिंग अ जोक टू माई रूममेट अ कॉकरोच स्क्रीड अक्रॉस माई एप्पल पाई एंड इन टू माई सर्विस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है, व्हाइट टेलिंग, ये हमने सारे लगाए हुए हैं। तो इससे इसका जो अगला पार्ट है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ये हमने आज तकरीबन 24 क्वेश्चन क्लियर कर रहे हैं, क्लियर कर दिए। तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने से वो ना करें, गुरेज ना करें, ताकि हमें भी प्रमोशन मिला और आपको भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो का बार बार लिंक पता चले और आपको अच्छी तैयारी हो सके। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआओं में हूँ, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।